ओलंपिक्स टीम बनी थी तब मैं टीम में नहीं था। हाँ जी, मैं टीम में नहीं था उसमें, तो मेरे सिलेक्शन नहीं हुआ था। बट कहीं ना कहीं मैं डिसअपॉइंटमेंट था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मेरे कोच ने जैसे भी उसने सिलेक्शन किया होगा उसके ऊपर है। सडनली ये कोविड की वजह से एक रूल चेंज हुआ, जिसमें ये था कि जो 17-18 प्लेयर थे स्टैंड बाई वो खेल सकते हैं। तो काफ़ी मेरे लिए अच्छा फीलिंग आया, क्योंकि मैं जब ये रूल नहीं भी सुना था तब भी मैं अपना हार्ड वर्किंग कर रहा था। काफ़ी मतलब मैं ये अपने आप को मानता हूँ काफ़ी हमेशा मेरा स्लो स्टार्ट हुआ है, तो डिफ़िकल्ट काफ़ी था, पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। बट हाँ, जैसे भी है मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छे से पाला पोसा है, जो भी मेरी कमियाँ थी वो पूरी की हैं, काफ़ी रह भी गई थी बट हाँ की हैं। तो फ्यूचर हॉकी का बहुत ब्राइट दिख रहा है, तो यही है कि हार्ड वर्क के बिना कुछ नहीं होगा। हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं ट्रू स्कूप और मैं हूं परिणा खन्ना। सो टोक्यो ओलंपिक से जीत हासिल कर इंडियन हॉकी टीम वापस आ चुकी है और जलंधर के प्लेयर्स भी जो हैं वो भी वापस आ चुके हैं और आज इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हॉकी प्लेयर वरुण कुमार। बहुत बहुत स्वागत है मैडम। थैंक यू जी, आपका धन्यवाद। कैसे हैं आप? टायर्ड हूँ काफ़ी, हाँ, क्योंकि दो दिन से सोया नहीं अच्छे से, तो इसलिए टायर्ड हूँ। बट अच्छा लग रहा है कि फिर भी हमें मतलब कितना मोटिवेट मिल रहा है, मतलब मीडिया से इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और जो हमारा स्वागत के लिए आज आए थे उनसे इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसलिए हम थोड़ा सा पेशेंस रख रहे हैं अपने आप को। हाउ डू यू फील जीतने के बाद, 41 साल बाद दोबारा से इतिहास रचा गया? बहुत ज़्यादा उस दिन मतलब ऐसे इमोशनल थे, प्लेयर्स अपने आप को एक दूसरे को हक कर रहे थे, अपनी जो फीलिंग्स थी वो शेयर कर रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मैच जीतने के बाद। और फिर जो भी है, हम सोच रहे थे कि इंडिया जाएंगे तो कैसे हमें चीयर अप करेंगे, तो ये सब कुछ। हाँ, सो सपोर्ट की अगर बात करें तो डू यू थिंक कि हॉकी के लिए पूरा सपोर्ट मिलता है? हाँ मैडम, मुझे लग रहा है अभी हॉकी के लिए सपोर्ट पूरा मिल रहा है, क्योंकि ये हमारा कोच जो है सबसे पेड उसको होता है इंडिया में, बाकी फॉरन अदर स्पोर्ट्स के अलावा, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और जो कोविड जब चल रहा था तब काफ़ी मतलब मिनिस्ट्री से, साई से, जो भी है हॉकी इंडिया से हमें फ़ोन आते रहे, उन्होंने हमें मोटिवेशन देते रहे, मतलब कोविड के उन्होंने काफ़ी हेल्प किया हमारा, तो डाइट का भी और जो इक्विपमेंट्स है उनका भी सब कुछ, मतलब काफ़ी सपोर्ट मिल रहा था। तो इसलिए मेरे को लग रहा है जो पर्दे पीछे हमारे लिए काम कर रहे थे कि उनकी वजह से भी एक मेडल आया, कि उनकी दवाएं भी हमारे साथ थी, तो ये बात है। वरुण, बात करें अगर स्ट्रगल्स की, तो स्ट्रगल्स क्या क्या आपने फेस किए? आपको कब लगा कि यार दिस इज समथिंग आई शुड फेस एंड देन मूव ऑन एंड वर्क ऑन माय ड्रीम, हॉकी खेलना एंड नेशनल लेवल पे जाना? काफ़ी मतलब मैं ये अपने आप को मानता हूँ काफ़ी हमेशा मेरा स्लो स्टार्ट हुआ है, तो डिफ़िकल्ट काफ़ी था, पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। बट हाँ, जैसे भी है मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छे से पाला पोसा है, जो भी मेरी कमियाँ थी वो पूरी की हैं, काफ़ी रह भी गई थी बट हाँ की हैं, तो ये बोल सकते हैं। और जो भी है, मेरा यूनियन में जब स्टार्ट हुआ था वो भी बहुत ज़्यादा स्लो स्टार्ट हुआ था, मैं प्लेइंग 11 में नहीं खेलता था, अच्छा नहीं खेलता था, तब डे बाई डे इम्प्रूव हुआ, तो उसमें मेरा भी मतलब मैं खेला उसको, यूनियन वर्ल्ड कप जीता हमने 2016 में लखनऊ। तो फिर उसके बाद सीनियर में मेरा ऐसे ही, मैं सोच रहा था कि मैं कैंप में आऊँगा बट मैं नहीं आया, तो फिर वो भी 7-8 महीने बाद मेरा फिर डेब्यू हुआ, सीधा मैं कैंप में गया और सीधा मेरा टूर पे गया। मैंने मतलब कोचेस को ऐसे लगा मैंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, मुझे फीलिंग भी हो रही थी कि मैंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो तब से लेके अब तक मैंने कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये है कि जो ओलंपिक्स टीम बनी थी तब मैं टीम में नहीं था। हाँ जी, मैं टीम में नहीं था उसमें, तो मेरे सिलेक्शन नहीं हुआ था। बट कहीं ना कहीं मैं डिसअपॉइंटमेंट था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मेरे कोच ने जैसे भी उसने सिलेक्शन किया होगा उसके ऊपर है, तो मैं उसके डिसीजन से खुश था। बट मैंने हाँ उनके साथ जाना था स्टैंड बाय में, बट खेलना नहीं था। तो सडनली ये कोविड की वजह से एक रूल चेंज हुआ, जिसमें ये था कि जो 17-18 प्लेयर थे स्टैंड बाय वो खेल सकते हैं। तो काफ़ी मेरे लिए अच्छा फीलिंग आया, क्योंकि मैं जब ये रूल नहीं भी सुना था तब भी मैं अपना हार्ड वर्किंग कर रहा था कि नहीं कोई बात नहीं, नेक्स्ट है, अभी नेक्स्ट ईयर है, टूर्नामेंट है काफ़ी है, ऐसे ऐसे कर रहा था। बट ये रूल सडनली रूल चेंज हुआ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा सुनने में, और मेरे फीलिंग शेयर नहीं कर सकता, तो मतलब कितना अच्छा लगा मुझे ना ये सुन के कि मैं खेल पाऊँगा, है ना। तो ये था, पहले मैच मैंने 3 नहीं खेले, तो मुझे ठीक है मैं मोटिवेट था, बट मुझे ये पता था कोच मुझे खिलाएगा, है ना, एक मैच खिलाएगा तब मैं अपना 100% दूंगा। तो फिर वो मुझे बाहर ना निकाल पाए,
मतलब हाँ फिर टीम के चेंज ना हो पाए, बट हाँ यही हुआ, ये भगवान की दुआ है। और पीछे जो मेरे थे बैठे हुए सभी, उनकी दुआ थी जिनकी वजह से मैं मतलब वहाँ पे अपना परफॉर्मेंस दे पाया हूँ जी। सो स्ट्रगल्स और हार्डशिप्स के बाद क्या सीखा, कि व्हाट्स दैट वन थिंग जो हम सबको रखनी चाहिए अपने पास? मैडम मैं ये सोचता हूँ, एक तो अपना मतलब पेशेंस हमारी ज़िंदगी में बहुत, मैं अभी पहले नहीं मानता था, अभी मैं पेशेंस को बहुत ज़्यादा मतलब मानने लग गया हूँ कि जितना हम पेशेंस रख सकते हैं ना, और हार्ड वर्किंग मैडम, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना किसी की चीज़ के बारे में, कि हम मतलब टूर्नामेंट में गए हम सोचें कि हाँ यार हम गए हैं, हम मतलब मेडल लेके आएंगे, हमें इंडिया में जाके ये मिलेगा ये मिलेगा, ना 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 ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमें। मैंने तब जो सिचुएशन करंट सिचुएशन चल रही थी, मेरी प्रैक्टिस चल रही थी, मैं उसके बारे में सोच रहा था, जब मेरा मैच चल रहा था मैं उसके बारे में सोच रहा था, तो ज़्यादा नहीं मैं सोच रहा था। इसलिए मुझे लग रहा है कि मैंने इससे काफ़ी मतलब हार्ड वर्किंग, एक प्रेजेंट में रहना, जो चल रहा है वहीं पे रहना, आगे का ड्रीम लेना है, बट जो मैं अभी मूवमेंट कर रहा हूँ, जैसे इंटरव्यू देना तो इंटरव्यू देना है और कहीं का नहीं सोचना है ना, तो ऐसे ऐसे तो एक पेशेंस मैं अभी उसको ज़्यादा मानने लग गया हूँ कि पेशेंस और लक काफ़ी काम देते हैं साथ, है ना। ट्रू। वरुण, पहली बार कब सोचा था और कैसे सोचा कि हॉकी प्लेयर बनना है? अच्छा, मैं यहाँ पे मेरा गुरु नानकपुर स्कूल था, वहाँ पे मैं, मनप्रीत और मनदीप और एक तलविंदर है हमारा, वो भी इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर है, तो हमारे साथ ही खेला हुआ है पहले, अभी वो थोड़ा सा बाहर है कैंप से, बट हमारे साथ ही है। तो उन्होंने मुझे मतलब बोला था कि, वो भी मेरे से पहले हॉकी खेलते थे, उन्होंने मुझे बोला तू भी आ हॉकी में, क्योंकि मैं उनका फ्रेंड था, स्कूल फ्रेंड था। तो मैंने फिर घर वालों को पूछा और मैंने फिर ग्राउंड में जाना स्टार्ट किया, धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ा उसमें हॉकी में। तो ये था, ऐसे मैं सच बताऊं तो मुझे ये नहीं था कि मैं अभी खेलना स्टार्ट कर दिया, मैंने सोच लिया कि मैं ओलंपियन बनूंगा, ये बनूंगा, इसके जैसा बनूंगा, ना ना ऐसा कुछ थिंकिंग नहीं था। जैसे जैसे प्रोग्रेस चलती गई ना आगे के बढ़ता, फिर लगता गया कि हाँ इसके जैसे बनना है, ये करना है, वो करना है, अपनी फैमिली के लिए कुछ बड़ा करना है, कि मतलब उनको प्राउड फील करवाना है। ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि मैं उनको प्राउड फील करवाऊँ। मेडल तो आया है, ये सबसे अच्छी बात है कि इंडिया का मेडल आया, बट जो उनके लिए, वो मेरे लिए प्राउड करते हैं ना, वो सीना चौड़ा करके चलते हैं, मुझे वो उनको देख के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, कि जब मैं अपनी फैमिली के लिए उनको देखता हूँ, जब उनकी लोग वाहवाही करते हैं, मतलब उनके पास आते हैं, उनको खुद मिलने आते हैं, तो मुझे ये देख के अपने आप में भी प्राउड फील होता है, और उनके लिए बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि हाँ वो अभी मेरे, जैसे भी उनको जो उन्होंने मेरे लिए हार्डवर्क किया हुआ है, तो मैंने उनको हार्डवर्क करके, अभी भी उनका ही हाथ है सब कुछ, उनकी दुआएं मेरे साथ चल रही हैं, जो उन्होंने हार्डवर्क किया पीछे वो मेरे लिए काम आ रहा है, मेहनत तो उन्होंने की है, बट चलो हीरो मैं बन रहा हूँ, पर जो ऐसे बोलते हैं डायरेक्टर और राइटर वो है मेरे, है ना, सब कुछ है ना। तो इसलिए मैं मानता हूँ उनको सबसे बड़ा, मैं अपना आइडल मानता हूँ ज़िंदगी के, तो मैं सबसे बड़ा मतलब प्राउड मानता हूँ जब वो खुश होते हैं। आखिरी सवाल, फ्यूचर ऑफ हॉकी अब क्या देखते हैं आप? फ्यूचर हॉकी का ऐसे है कि हाँ, पहले हॉकी हमारी जा चुकी थी, मतलब जा नहीं चुकी थी, मतलब पीछे चल चुकी थी, मतलब 2012 में उन्होंने 12 फिनिश किया था, तब हॉकी का लेवल बहुत ज़्यादा ऐसे सोच रहे लोग कभी बेकार है कुछ नहीं। 2016 में अच्छा हुआ, 2021 में तो आपको पता है हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो काफ़ी अच्छा मतलब फ्यूचर आगे को देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने अपनी टीममेट्स में प्लेयर देख रहा हूँ, और भी आ रहे हैं लोग, मेरे को लग रहा है कि एक माइंडसेट बहुत अच्छी चीज़ है। आप सामने वाली टीम आपके बराबर है या आपके ऊपर है, अगर आपका माइंडसेट होगा ना, तो आप उसको मतलब अच्छे से हरा पाओगे और उसको अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन दे पाओगे। तो मेरा मानना है कि ये प्लेयरों में क्षमता है और आगे वाले फ्यूचर में ये क्षमता है, अगर वो सोचेंगे ऐसे, तो फ्यूचर हॉकी का बहुत ब्राइट दिख रहा है। तो यही है कि हार्डवर्क के बिना कुछ नहीं होगा, है ना, तो वो ज़रूर करना चाहिए और फ्यूचर ब्राइट है मैडम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सो ये थे हमारे साथ हॉकी प्लेयर वरुण कुमार, जिन्होंने हाल ही में ओलंपिक्स जीतकर सभी का नाम रोशन किया है। बने रहेगा ट्रू स्कूप के साथ एंड और वीडियोज़ के साथ, हम फिर हाज़िर होंगे।